फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ आरटेक्टिव्स में। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले कुछ बेसिक एनिमेशन के सीख लिए हैं कि आखिर एनिमेशन करना कैसे है और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि आज मैं कुछ एक सिंपल चीज़ें बताऊँगा जो कि शायद आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मॉर्फिंग, कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं शेप कीज के थ्रू। और थोड़ा सा हम आज रिवाइंड करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जाएंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर ये ध्यान रखना, आप अगर आपको भी इसे ऐसी चीज़ें सीखनी है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा डिफॉल्ट सीन है जो कि आपको पता था स्टार्टिंग में, कैमरा, ऑब्जेक्ट और एक लाइट। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसे चेंज करना है एक डिफरेंट लुक में, तो इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, यू स्फीयर, या यहां से ऐड कर सकते हो आप। ये हमारा यू स्क्वायर में ले लिया है। अब क्या, अगर मुझे एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करना है तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, मीन्स इसमें ज्यादा फेसेस होने चाहिए। नॉर्मली अगर इसमें देखोगे आप, फेसेस काफी कम दिख रहे हैं, जो काउंट भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ इसमें फेसेस ज्यादा हो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सब डिविजन सरफेस एड मोडिफायर में, और सिंपल मैंने अप्लाई कर दिया छोटा सा, कितना ही हो। फिर यहां से ऐड करते हैं ऑब्जेक्ट मैस, ये मंकी ऐड कर लेता हूं जो कि इसके अंदर जाएगा। इसमें मॉडिफायर डाल देता हूं मैं, सब डिविजन सरफेस, ये थोड़े से ज्यादा वर्ड्स ऐड कर देता है। अप्लाई कर दिया मैंने। अब इसको शिफ्ट डी प्रेस करते हैं, एक्स डायरेक्शन में मूव करके यहां कर लेते हैं। अब क्या है, ये तीन चीजें, मतलब ये जो सीधे सिंबल मैंने ऐड किए और ऐड क्यों किए, और इसके बाद ऐड किया मैंने इसमें मॉडिफायर्स ऐड किए क्योंकि मुझे ज़्यादा फेसेस चाहिए थे, जो कि मैंने मॉडिफायर से सब डिविजन सरफेस से इसमें ऐड कर लिए फेसेस। अब मैं तीन चीज़ें क्यों बनाई, मैं इसका यूज आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है कि इस क्यूब को पहले, जो ये मंकी इसके अंदर है जो कि आप देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ से मूव नहीं किया है, ये देख सकते हो उसके अंदर है, ये जी प्रेस करके मूव कर रहा हूँ मैं, स्केप प्रेस करके वापस भेज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं और क्लिक करता तो वहाँ आ जाता। ये यहाँ पे है, एक क्यूब लिया, एक मंकी लिया, सब डिवाइड सरफेस किया, सेकेंड मंकी उसको डुप्लीकेट किया शिफ्ट डी से और इसको यहाँ रख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मंकी है सिलेक्टेड जो अंदर वाला है, इसको सिलेक्ट करके फिर मॉडिफायर पे जाना है, यहाँ से डिफॉर्म पे जाना है और श्रिंक क्रैक ये कर दिया। अभी भी वो मंकी वैसा ही है। यहाँ से टारगेट सिलेक्ट करेंगे स्फेयर, अब देख सकते हो आप उसके अंदर ये डिफॉर्म हो चुका है, लेकिन ये जो मंकी डिफॉर्म हुआ है मीन्स ये इसके अंदर मेस वही है, सारी चीजें वही है, बस ये स्फीयर के शेप में आ गया है। इसको अप्लाई कर देंगे, अब सिलेक्ट करेंगे स्फीयर को अपने और डिलीट कर देंगे। डिलीट कर सकते हो आप डिलीट बटन प्रेस करके। अब इसे जूम करके देखो आप, ये स्फीयर जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आप चाहो तो इसको और ज्यादा, अगर सब डिविजन सरफेस या फिर और ज़्यादा इसमें फेसेस बढ़ा देते हैं आप, तो बिल्कुल क्लियर दिखता है ये, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, मतलब कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके बाद आप चाहो तो कर सकते हो। देखो आप, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। अब दो शेप है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। अब मुझे करना क्या, पहले इसको सिलेक्ट करना है, ये जो मंकी है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करोगे सारे सिलेक्ट कर पाओगे, जैसा कि आप नॉर्मली विंडोज में करते हो, दोनों एक साथ सेलेक्ट करते हो, दो चीजें एक साथ। अब जाएंगे अपने सेव कीज में, जो कि सेव कीज थे हमारी, यहां नीचे जाएंगे और ज्वाइन एज ए सेव ये क्लिक करेंगे। अब यहां सुजन पे आके देखो आप क्या कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां करके इसको अगर वैल्यू बढ़ाऊंगा, ये देखो आप, ये चेंज हो रहा है। अब सिंपल ये वाला जो हमारा सुजन था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन प्रेस करके। अब आप काम कर सकते हो उसके ऊपर आराम से, ये आपका, इसको एनिमेट करना है। एनिमेशन में फिर गए हम दोबारा जीरो पे, हमने जिसका ये शेप पीस का एनिमेशन था, यहाँ पे आई प्रेस करके ऐड कर लिया। फिर 60 पे गए हम, इसको वन कर दिया मैंने और आई प्रेस करके यहाँ पे ऐड कर दिया, और टोटल जो एनिमेशन टाइम था मैंने 60 कर दिया। और अब ले करके देखते हैं हम यहां से, ये
सेफ अपने आप मॉर्फ होकर के ऐसे बन जा रहा है, ठीक है। थोड़ा स्मूथ से देखते हैं, अभी इसको हम एनिमेट कर लेते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कलर दे देते हैं कुछ भी। ये मैं सिंपल कर दे दिया और फिर आउटपुट सेटिंग करेंगे। आउटपुट सेटिंग में टेम्प में है हमारा नॉर्मली। अब हम जाएंगे अपने एनिमेशन में, हमने 4 तक कर लिया है, हम करेंगे फिफ्थ एनिमेशन है भाई। हम पांचवा एनिमेशन अपना बेक कर रहे हैं पीएनजी से, इसमें कर लिया हमने बस, और एनिमेशन मैंने रेंडर कर दिया। तो फ्रेंड जब तक एनिमेट होता था तक हम कुछ बातें कर लेते हैं अपने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, क्या क्या सीखा हमने। हमने इसके पहले सीख लिया कि बेसिक एनिमेशन कैसे करते हैं, जो कि शायद आप में से काफी लोगों को आ गया हो बेसिक एनिमेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने टूल्स सीखे जो कि एनिमेशन में टूल्स यूज होते हैं, डिफॉर्म या फिर ग्राफ कर्व और एक्शन एडिटर। इसके अलावा कुछ मॉडिफायर्स देखे हमने, मॉडिफायर भी कर सकते हैं उसमें आप सेटिंग्स में, आपने अगर होमवर्क किया होगा आपने चीज़ें ऐड करी होंगी तो देख लिया होगा इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, आपने ही पता कर लिया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने देख ली हैं तो फिर काफ़ी अच्छी बात है कि आप मतलब कि कुछ चीज़ें सीख चुके हो। और इसके अलावा मैंने सेफ कीज़ बताए, सेफ कीज़ हम मैक्सिमम बात कराने के लिए या फिर कुछ और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। साउंड के साथ आपने सीख लिया कि साउंड के साथ आप सेव कीज का यूज कैसे कर सकते हो, साउंड के साथ आप एनिमेट कैसे कर सकते हो, ये सीख लिया आपने। तो अभी आप बिल्कुल एक बेसिक चीजें सीख चुके हो कि आखिर कुछ भी चीजें एनिमेट कैसे करें, ऐसे आप टेक्स्ट एनिमेट कर सकते हो, कुछ भी एनिमेट कर सकते हो। तो इसमें मुझे लगता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट बनाओ और बना करके मुझे दिखाओ, और आगे मैं बताने वाला हूँ कुछ प्रोजेक्ट भी कभी भी हम काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो उसके पहले अब मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में कुछ और एडवांस बताने वाला हूँ। ये हमारा एनिमेशन हो गया, तो भी आपने सीख लिया सारा कुछ, ये एनिमेशन, ये टाइम फ्रेम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या क्या होना चाहिए, ये लाइट सोर्स का यूज किट में कैसा है, कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो, वर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से, चीजें ये सारी चीजें आप सीख चुके हो। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एडवांस बताऊंगा, आप और सारी चीज सीखोगे आप। तो दोस्तों बस ये मेरा ट्यूटोरियल छोटा सा ही था कि एक चीज़ों को आप मॉर्फिंग कैसे कर सकते हो, उसको मॉर्फिंग बोलते हैं। अगर आपको सर्च भी करना है इंटरनेट पे कि कुछ और ट्यूटोरियल चाहिए आपको तो मॉर्फिंग सर्च कर सकते हो। तो यह सबसे सिंपल ट्यूटोरियल यही था, इसके अलावा आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एडवांस मिलेंगे और अलग चीज़ें मिलेंगी, लेकिन 2.8 में बिल्ट है और आप इसको बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। जैसा कि मैं जानता हूँ ऐसा इंटरनेट पर कोई बताया कि नहीं आपको अभी तक, वैसे सर्च करो हो सकता है मिल जाए आपको, ट्यूटोरियल्स मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक करें और मेरे बाकी ट्यूटोरियल्स भी देखें जो पहले के हैं, तो आप पूरा एनिमेशन सीख पाओगे आप। और मैं नेक्स्ट में अब इसके और सारे एनिमेशन सिखाने वाला हूँ, सारे एनिमेशन मेरे एक ही प्लेलिस्ट में है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा वॉच करो, उसके बाद एनिमेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम सब आती रहती है, सबको आती हैं, यहाँ तक कि जो प्रो लेवल के बंदे होते हैं उनको भी आती हैं। तो आप सर्च कर लो, आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा और आपको पढ़ने में समझ में भी आएगा क्या आपने करना है आपको। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय बाय।